from equation 4 into equation 3 we get, क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये पूरी वैल्यू ही जीरो बन जाएगी, इस इक्वेशन का ये पूरा मान क्या बन जाएगा, शून्य बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस टू एल अल्फा प्लस यू एम बीटा प्लस वी एन गामा प्लस डब्ल्यू आर इक्वल टू ज़ीरो। और इसको हम लिख सकते हैं, आर कॉमन ले लिया बेटा, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू आर प्लस टू टाइम एल अल्फा प्लस यू एम बीटा प्लस वी एन गामा प्लस डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर। अब यहाँ से ये दिख रहा है कि एक जो आर का मान है वो क्या आ गया बेटा, शून्य आ गया। अब यहाँ से हमको ये दिख रहा है, चार लिख देता हूँ इसको, पाँच सॉरी चार तो ऊपर हो गया, पाँच लिख देता हूँ। अब यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि आर का एक मान तो शून्य हो गया। अब आर का अगर एक मान शून्य हो जाता है बेटा, अगर आर की एक वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो जो हमको लाइन से बिंदु मिला है, जो हमको रेखा से जो हमको बिंदु मिला है, जो पॉइंट जो मिला है, उसमें अगर यहाँ जीरो हो जाता है तो हमको पॉइंट क्या हो जाए, मिल जाएगा अल्फा बीटा और गामा ही मिल जाएगा। इसका मतलब कि एक रेखा दो बिंदु पर काटती है, इसका मतलब एक बिंदु तो क्या हो गया, एक बिंदु तो कॉन्साइड्स कर गया क्या अल्फा बीटा गामा पर। देखो सुनो कैसी कंडीशन है ये, इधर का मिटा देता हूँ, यहाँ का हल्का सा ये मिटा देते बेटा, यहाँ समझते इस बात को कि ये स्पेयर ठीक है, और ये कोई भी लाइन हो गई, ये कोई भी लाइन, और ये मान लीजिए हमारे पास पॉइंट हो गया, या यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो गया, जनरल केस की अगर बात करें, मान लीजिए ये हो गया हमारे पास अल्फा बीटा गामा, ऐसा हो गया ठीक है, कह रहे हैं वो दो पॉइंट से पास आउट है ना, दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करेगी, समझना इस बात को, केवल ऐसे अपन समझा रहे हैं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं हो रहा है। तो दो पॉइंट निकाले इस लाइन पर हमने, इस लाइन पर क्या निकाले बेटा, दो पॉइंट निकाले और एक पी और एक क्यू मान लिया, यही करा था पहले। तो क्या कह रहा है, इस कंडीशन से हमारे पास क्या हुआ कि एक जो आर था वो जीरो मिल गया, मतलब कि एक जो पॉइंट, दो थे ना, एक तो आर वन पर एक आर टू पर, तो एक क्या मिल गया जीरो, इसका मतलब बिंदु क्या हो गया, आर जीरो रखने पर अल्फा बीटा गामा, मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये क्यू जो था वो कहाँ जा रहा है, इसकी तरफ, मतलब वो पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया, कौन सा पॉइंट हो गया, अल्फा बीटा गामा हो गया, बात समझ में आ गई। अब दूसरा पॉइंट भी यही हो, अब दूसरा बिंदु भी यही हो, क्योंकि हम चाहते क्या है, हम टेंजेंट प्लेन चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, टेंजेंट प्लेन, जो कैसे मिलेगा, टेंजेंट लाइन के लोकस से। तो लाइन कब बनेगी, जब ये लाइन कैसी, ये जो लाइन जो रही हो कैसी हो, ऐसी लाइन हो, समझ गए, मतलब ये वाला पॉइंट भी क्या करे, यहाँ पर आ जाए, ये वाला पॉइंट भी क्या करे, अल्फा बीटा गामा ही, मतलब कि इसमें एक और जो आर आ रहा है वो भी क्या आ जाए, शून्य आ जाए, एक और जो आर आ रहा है वो भी क्या आ जाए, शून्य, तभी दोनों आर के मान क्या होंगे बेटा, अल्फा बीटा गामा, मतलब दोनों जो पॉइंट है वो अल्फा बीटा गामा पर कॉन्साइड करेंगे, तो दूसरी वैल्यू भी जीरो आ जाए। तो क्या करते हो, इसको कंपेयर करते हो जीरो के साथ, इसको कंपेयर करते हो जीरो के साथ, ठीक है। तो यहां से आर का मान जीरो आए, ऐसा कब संभव है, कि जब ये वाली वैल्यू जीरो हो जाए, जब ये वाला मान जीरो हो जाए, तो हम कह देंगे फिर ये बराबर जीरो बचेगा और इससे एक और आर बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। समझ में आ रही बात, तो आप लिखते हैं बेटा अपन, स्पष्टतः समीकरण पांच से
स्पष्टतः आर का एक मान शून्य है, जीरो है, जो यह प्रदर्शित करता है कि रेखा का गोले के साथ जो प्रतिच्छेदन बिंदु मिल रहे थे हमको दो, उसमें से एक क्या है अल्फा बीटा गामा के साथ कॉन्साइड्स है। ये बात सही है बेटा, रेखा का गोले के साथ एक प्रतिच्छेदन बिंदु अल्फा बीटा गामा के साथ संपाती है। तो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन सॉरी फाइव, इट इज क्लियर दैट वन वैल्यू ऑफ आर इज जीरो, विच शोज दैट the one intersection point of line and sphere coincides with point alpha beta gamma। तो एक बिंदु तो अल्फा बीटा गामा के साथ coincide हो गया, अब दूसरा point भी क्या होना चाहिए, कॉन्साइड होना चाहिए, मतलब कि स्पर्श रेखा बननी चाहिए। अब यदि रेखा गोले एक की बिंदु अल्फा बीटा गामा पर स्पर्श रेखा हो तो आर का दूसरा मान भी शून्य होना चाहिए, या दूसरा बिंदु भी क्या करना चाहिए, अल्फा बीटा गामा के कॉन्साइडेंट होना चाहिए। नाउ इफ लाइन टू इज टेंजेंट ऑफ स्पेयर वन एट अल्फा बीटा गामा सो या देन द सेकेंड वैल्यू ऑफ आर शुड बी जीरो। और ये दूसरी वैल्यू जीरो कब होगी बेटा, भी मैंने आपको समझाया कि दूसरा भी जीरो कब होगा, जब इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू जीरो हो जाए, है ना, जो कि तभी संभव है, जो कि पहले एक बार यहां तक का लिख लो बेटा, पहले यहां से यहां तक का एक बार आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद में लिखते हैं ना, ये मिटाना पड़ेगा, एक बार यहां तक लिख लो फटाफट। जल्दी से लिख लीजिए बेटा, ठीक है, आगे देखें। जो कि तभी संभव है, विच इज
ओनली पॉसिबल इफ, ये क्या हो जाए, एल अल्फा प्लस यू एम बीटा प्लस वी एन गामा प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, तब ये क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए। इसको भी इक्वेशन दे दे, पांच के बाद छह दे दे, ठीक है। जो कि रेखा दो के दिए गए गोले एक को स्पर्श करने का अभीष्ट प्रतिबंध भी है, क्लियर, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर लाइन टू बी टेंजेंट ऑफ गिवन स्फीयर, क्लियर सर। अब क्या करेंगे अपन, आपको याद हो तो हमने रेखा लाइन की इक्वेशन लिखी थी बेटा, हमने क्या करा था, लाइन की इक्वेशन क्या लिखी थी अपन ने, एक्स माइनस एल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन इक्वल टू आर। तो क्या करें, ये इक्वेशन थी शायद दो, तो क्या करें बेटा, इक्वेशन दो से हम एलिमेंट का मान इक्वेशन छः में रिप्लेस कर दें, भाई अब चूंकि स्पर्श रेखाओं का बिंदुपथ होता है, नाउ सिंस दी टेंजेंट प्लेन आर लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन्स, सो अतः समीकरण दो से एल एम एन का मान समीकरण छः में रखने पर, सो ऑन रिप्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ एल एम एन फ्रॉम इक्वेशन टू इंटू इक्वेशन सिक्स वी गेट, क्या मिल जाएगा बेटा अपने को, हम रिप्लेस कर देते हैं वैल्यूज को, क्या थी इक्वेशन टू, एक्स माइनस अल्फा अपॉन एन एम, ये थी समीकरण दो, L का मान रखोगे, L की वैल्यू क्या जाएगी, x माइनस अल्फा अपॉन आर, यहाँ लिख दो बेटा, x माइनस अल्फा अपॉन आर अल्फा प्लस यू, m की वैल्यू रखोगे y माइनस बीटा अपॉन आर बीटा प्लस वी, z की वैल्यू n की वैल्यू रखोगे z माइनस गामा अपॉन आर और गामा प्लस w इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व कर ले, r कॉमन आकर जीरो में चला जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, x माइनस अल्फा अल्फा प्लस यू, y माइनस बीटा बीटा प्लस वी और z माइनस गामा गामा प्लस w इक्वल टू जीरो, ये हमारे क्या है बेटा, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, इसको हम सॉल्व करके और लिख सकते हैं, x अल्फा या अल्फा x प्लस यू एक्स, एक्स यू या यू एक्स
इधर से आ जाएगा हमारे पास प्लस अल्फा स्क्वायर, माइनस का अल्फा स्क्वायर और माइनस का अल्फा यू प्लस वाई बीटा, बीटा वाई प्लस वी वाई माइनस बीटा स्क्वायर माइनस बीटा वी प्लस गामा जेड प्लस डब्ल्यू जेड माइनस गामा स्क्वायर माइनस डब्ल्यू गामा या गामा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे हम। क्या लिख लेंगे इसको, अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड प्लस यू एक्स प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड माइनस अल्फा यू बीटा वी और गामा डब्ल्यू, और इसमें ये हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करके भी लिख सकते हैं बेटा अपन। एक हमारे पास इक्वेशन आई थी बेटा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, है ना, हमने अल्फा बीटा गामा को वहां रिप्लेस करा था। ये इक्वेशन आई थी हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर टू यू अल्फा टू वी बीटा टू डब्ल्यू गामा प्लस डी बराबर जीरो। तो इसको बेटा अपन लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर यू अल्फा वी बीटा डब्ल्यू गामा प्लस यू अल्फा वी बीटा डब्ल्यू गामा प्लस डी बराबर जीरो। लिख सकते हैं बेटा अपन इसको ऐसा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आ रही है ना हमारे पास, ये रही। तो इसको रिप्लेस कर दूँ किससे, यू अल्फा इससे, ठीक है। तो ये समीकरण में छः के बाद सात, और ये जो भी समीकरण था उससे, ठीक है, इसमें मान रख दिया हमने ये। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड प्लस यू एक्स आ जाएगा और एक यू अल्फा आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यू एक्स प्लस अल्फा वी वाई और वी बीटा आ जाएगा, तो वी कॉमन y प्लस बीटा और w कॉमन z प्लस गामा, ये बनेगा, और प्लस d इक्वल टू जीरो। ये क्या आ गया बेटा, स्पर्श समतल का समीकरण आ गया है। ये क्या आ गया बेटा, स्पर्श समतल किस पर, अल्फा बीटा और गामा पर। लिखे बेटा टेंजेंट प्लेन आ गया ये। एक बार यहाँ तक नोट डाउन करें बेटा जल्दी से। तो आज की क्लास में इतना बहुत है मेरे हिसाब से, है ना। आज अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया बेटा, सेकंड सी स्टार्ट कर दी है, इसमें अपन टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन तक पहुंच गए हैं। तो किसी पॉइंट अल्फा बीटा गामा पर गोले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उसका टेंजेंट प्लेन इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है सर। बाकी अपन पढ़ लेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कल।